अब देखो, आज से करीबन 2 साल पहले ठीक इसी महीने के आसपास हमें देखने को मिला था हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज का सीजन 1, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आया था, जिसके चलते प्लेटफॉर्म ने इसे सीजन 2 के लिए भी कंफर्म करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करी, जिसके बाद हमें इसका सीजन 2 देखने को मिलने वाला है इसी महीने एंड आज से करीबन 10 से 11 दिन बाद, वो भी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। बट अभी हाल ही में सीजन 2 के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यूज भी निकल कर आ चुकी हैं, जो कि बेस हैं इसकी 4 एपिसोड के ऊपर, क्योंकि मेकर्स ने भी उन्हें सिर्फ अभी तक 4 एपिसोड ही दिखाए हैं। एंड सीजन 2 के ये रिव्यूज काफी ज्यादा अच्छे निकल कर आ रही हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सीजन 1 के अंदर कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया था, तो वही सीजन 2 में उन्हें काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि हाउस ऑफ ड्रैगन का सीजन 2 किसी भी फ्लैगशिप सीरीज को पछाड़ने का दम रखता है एंड कई मामलों में ये तो गेम ऑफ थ्रोन से भी आगे है। इस बार हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 का मेन थीम है ग्रीन एंड ब्लैक्स को लेकर, और पूरे 4 एपिसोड को देखने के बाद आप किसी की भी साइड चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मूवीज एंड शोज की तरह चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, बल्कि सब कुछ ग्रे है। कोई अगर टीम अच्छी है तो उसकी कुछ बुराइयां भी हैं, जो कि आपको ब्लड एंड चीज वाले इवेंट को देखने के बाद मालूम पड़ जाएगी, एंड वो मेरे ख्याल से एपिसोड 1 है या फिर एपिसोड 2, जिसके लिए इसके मेकर्स ने स्ट्रिक्टली बोला है कि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा एडल्ट कंटेंट देखने को मिलने वाला है। साथ ही वो ये भी कहती है कि सीजन 1 की एंडिंग में जो कुछ भी हुआ तो उसके बाद हम ब्लैक्स की साइड लेने पर मजबूर हो गए, बट अभी सीजन 2 के अंदर जो भी कुछ देखने को मिलने वाला है तो उसके बाद शायद हम ग्रीन की साइड भी लें। एंड इस सीरीज की ब्रुटैलिटी का लेवल क्या है तो वो आपको पता चलेगा इसके एपिसोड 1 को देखने के बाद, जो कि आपको कहीं ना कहीं गेम ऑफ थ्रोन्स की द रेड वेडिंग की याद भी दिलाकर रख देगा, जहाँ पर एक तरीके से सीजन 1 हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज का एक फाउंडेशन सेट करता है, तो वहीं सीजन 2 ये सब करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, सीधा वॉर। एंड साथ ही वो ये भी कहती है कि हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 2 का मेन हाइलाइटेड पॉइंट है ड्रैगन वॉर, एंड इस मामले में ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स को भी काफी अच्छे तरीके से बीट कर देता है, क्योंकि जो भी चीजें हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिलने वाली हैं तो वो वाकई काफी ज्यादा ऑसम है। एंड सीजन 2 के रिव्यू को अगर एक लाइन के अंदर डिफाइन करना हो तो बस यही बोलूंगा कि सीजन 2 इज आउटस्टैंडिंग, फिर चाहे वो इसकी पेसिंग हो या फिर ड्रैगन वॉर, सभी चीजें इस शो के अंदर हमें स्टनिंग देखने को मिलती हैं। और बाकी अगर आपको खुद जानना है कि ये शो कैसा है तो भाई वेट कर लो 17 जून का, जिसके बाद आपको ये शो वीकली बेसिस पर देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। बाकी आप में से कौन कौन इसके लिए वेट कर रहा है तो नीचे #houseofdragonseason2 कमेंट करना।